फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द मीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अभी मैं भी ठीक हूँ। तो हमारी तरफ से हमारे सारे फ्रेंड लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारे शुभकामनाएं। और अभी हम रेडी हो गए हैं नहावा के। मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी, ये मेरी साड़ी है। और बहुत ही प्यारा मौसम है आज, एकदम हवा चल रहा है तेज से, बाल मेरे उड़ रहे हैं, देखो कैसे पता चल रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही मस्त है। और यहाँ पे स्कूल है जो बगल में, यहाँ पे सब प्रोग्राम हो रहा है, बच्चे गाना गा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, यहाँ से पूरी आवाज़ आ रही है बगल में, जो स्कूल जस्ट बगल में ही स्कूल है। सुबह सुबह आज 15 अगस्त में मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा मौसम है। तो आप लोग को मौसम दिखाते हैं कितना प्यारा है। आज देखिए कितना प्यारा मौसम है यहाँ पे, पूरा आज धूप नहीं है, पूरा बारिश होने वाला है। देखिए किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं सब लोग। बहुत 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 प्यारा प्यारा मौसम है आज। अभी फ्रेंड आप लोग को मौसम दिखा दिए हैं कितना प्यारा मौसम है। और अभी हस्बैंड जी भी गए थे झंडारोहण में, तो वो भी आ चुके हैं और लौटते वक्त दही जिलेबी लेके आए हैं। कहते हैं कि आज मतलब कभी खाओ या ना खाओ, पर 15 अगस्त और 26 जनवरी में ये खाते हैं दही जिलेबी, इसीलिए दही जिलेबी लेके आए हैं। तो चल के इनको दे रहे हैं खाने के लिए, और नाश्ते में भी यही आज है दही जिलेबी। तो चल के मैं खा रही हूँ और इनको भी दे रही हूँ। अभी कुछ कहना चाह रहे हो आप, कुछ कहोगे हमारे फ्रेंड से? बिल्कुल, मैं कहने ही आया हूँ सभी दोस्तों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है, और इस दिन को सब लोग बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। और सबसे एक ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली, और इस आज़ादी को लेकर बहुत लोगों ने बलिदान दिए, बहुत लोगों ने पुराने समय में भी और आज भी, इस आज़ादी को सजीव रखने के लिए बहुत लोग योगदान दे रहे हैं। तो हमें हमेशा इस आज़ादी के पर्व पे जो इन्होंने बलिदान दिया उन्हें अपने दिल में सजो के रखना है, और जो आज भी सरहद पे खड़े हैं उनके प्रति इज्जत और मान सम्मान का भाव रखना है। और ऐसे ही आगे हम लोग को विकास करते रहना है कि हमारा देश आगे बढ़े, बस इस सोच के साथ हमें इस आज़ादी के पर्व को मनाना है। और हमेशा खुश रहिए, और एक बार और आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और हमेशा खुश रहे सब लोग। इतना जल्दी ठंडी नहीं हो जाएगी, समझे? कितना बेट है इनको खाने के लिए, निकाल रहे ना जल्दी निकालो, बहुत टाइम हो गया इसको लिए हुए। कितना टाइम हो गया, अभी थोड़े देर पहले तो आए हो आप। तो हम तो पैक इसे टाइम से पहले करा लिए। अच्छा, हम आए किसी भी टाइम हो, जाते वक्त ही पैक करा लिए थे क्या? ठंडी तो नहीं तो बस। सुबह सुबह खा लो, ठीक है मीठा, उसके बाद पूरे दिन सो, उसके बाद सोना ही सोना है। नींद से अच्छी चीज कोई है ही नहीं दुनिया में। आप लोग के लिए भी, जिसको दही जलेबी पसंद है वो प्लीज आ जाइए हमारे घर और खाइए आप लोग भी दही जलेबी। ओके ओके। तो हमने भी अपना निकाल लिया है दही जलेबी, और वेट भी नहीं कर सकते मेरा, देखो देखो भाई खाने में जुट गया लड़का, इस चीज में कोई दोस्ती नहीं। ये तो मेरा डायलॉग है, इस चीज में कोई दोस्ती नहीं। चलो बता ही दो किस चीज में दोस्ती है। किसी चीज में जल्दी खाओ, ठंडी हो जाएगी। ओके, स्कूल में प्रोग्राम जो हो रहा है सुनाई दे रहा है, मन कर रहा हम भी चले जाएं। स्कूल का टाइम याद आ रहा हमको भी अपना। जाओ जाओ जाओ, तो हो गया। अच्छा अभी हो रहा है, बज रही आ रही है म्यूजिक की आवाज आ रही है ना कहाँ? अच्छा पीछे से, पीछे वाले स्कूल में है ना, इस बिल्डिंग से जुड़ी है जो स्कूल। पहले अच्छा बताओ, तुम भी जाते थे ना 15 अगस्त को? हम जाते थे झंडा लेकर के, और कुछ भी हो जाए भाई साहब पैंट नहीं संभाल रही अपनी। झंडा यही रहना चाहिए, और बढ़िया यहाँ पे लगा लेते थे, एक लोगो नहीं आता जो ऐसा, ठीक वो लगाते थे, और हाथों में बैंड लगा लेते थे, ठीक है। और वो लगाते थे जो कैप नहीं आती है, ऐसे आती है। थी, वो लगा के और बढ़िया झंडा लेकर के ऐसे ऐसे हिलाते हुए, वो नहीं लगाते थे यहाँ पे, वो नहीं तिरंगा नहीं बनाते थे यहाँ, नहीं तिरंगा नहीं बनाते थे, बस वो हाथ में बैंड, एक लोगो और झंडा और टोपी,
बस इतनी चीजें रहती थी और फिर ऐसे बस यार जो स्टार्ट हो गया वो हिलाते ही रहो ना। नहीं, आज भी बच्चे ऐसे ही करते हैं। हाँ, जाते हैं आज भी, जाते बहुत बच्चे ऐसे। अभी जब गए ना, हमने यहाँ पे देखा था बहुत सारे बच्चे ऐसे ही तो गए, छोटे छोटे बच्चे बैंड हाथ में, और जो लड़कियां हैं वो रिबन बैंड हाथ में, बैंड ये सब लगा के गई। सबसे अच्छा तो मुझे टोपी लगती थी, ऐसे टोपी, इतने भी टोपी लग जाती थी और एक रबर होता था। हाँ, एक होता था पीछे से लग जाता था, टक हो जाता था। चला गया, अरे आ गया उधर से। अभी तुम्हारा कोई और छीन के लेके चले जाएगा ये भी। अजीब जबरदस्ती है भाई, नीचे जाओ। नहीं जाएगा, वो लेके जाएगा नीचे। चलो नीचे, एक उस वाले को दो ना, उसको बुलाओ। हाँ तो आ जा, आ देखो इसकी जबरदस्ती, देखो इसको, इसको देखो, आ ले ले ये। मिशन पे निकला है आज, तुम जाओ यहाँ से, तुमको मिले। मिलेगा नहीं रोटी आज तुमको, समझ गई, समझ गई या समझ गए? तुम्हारे हिस्से का एक हो गया। हाँ, दो रोटी की एक रोटी खा के बैठी है, अब जाओ दूसरे को भेजो। अजीब जबरदस्ती भाई, ये देखो दे देते। अरे वो देखो, दूसरों भी हो गया, पीछे हो जाओ, इसके हाथ लंबे हैं। ये तो बहुत ही मोटा है। दे दो दे दो, फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो, ले लेगा, ले लिया ये चक्कुम मक्कुम, दोनों को दे दिया एक एक। अब जाओ, जैसे भालू लग रहा, बंदर तो लग ही नहीं रहा, ये कितना मोटा है। क्यों नजर मार रही हो, जा रही की तबीयत खराब हो जाएगी। जी भाई, बहुत ही मोटा है ये, कहीं और से आया लग रहा। वो मोटा था, क्या क्या था वो टीम, इनका टीम लीडर था, इनका सरगना था वो। और ये बेचारी छोटी वाली है जो, ये हमेशा आती है यहीं पे, इस वाले इस पे बैठती है जाली पे, जब मैं रोटी बनाती रहती हूँ। वो देखो अब कई सारे आ गई, ये देखो। नहीं तो जब तक वो सरगना रहेगा इनका, तब तक इनको नहीं मिलेगा खाने को ना, तब तक पहले वो खाएगा। वो छीन ले गया ना मोटू, क्या बोलेंगे उस्ताद। इनका प्रधान है। वो इनका प्रधान है इनके झुंड का। बारिश हो गई ना लग रहा आज। हम लोग सुबह दही जलेबी खाए, उसके बाद में मीठा मीठा ज़्यादा हो गया ना, फिर मन ऐसा घुमा दिया सर मीठा मीठा से, और फिर नींद आ गई, फिर हम लोग सो गए थे। और अभी उठे हैं, बज रहे हैं, एक बजने वाले हैं, एक बारह चौवन है। अभी उठे हैं सो के, अब हम बना रहे हैं खाना। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है और चल के मैं फटाफट खाना बना ले रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया। वो तो अभी सो ही रहे हैं, मैं उठी हूँ, क्योंकि मीठा मीठा हो जाता है ना सुबह सुबह में, तो कुछ इसीलिए मैं जल्दी कभी मीठा सुबह में नहीं बनाती, बनाती हूँ तो शाम में बनाती हूँ। और फिर वो दही जलेबी की वजह से हमको लगा तो ऐसा था कि जब भी हम खाते हैं ना नींद आ जाती, तो वो तो सो रहे हैं आराम से, उनकी कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी रात में ड्यूटी किए हैं, सुबह झंडा रोहन में चले गए थे, तो उनका तो वैसे भी सोना था, लेकिन हमको उसको खाने से नींद आ गई, मीठा मीठा हो गया। और अभी मैंने इयररिंग पहन लिया है जो भाई ने दिया है, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, छोटा छोटा हमको ऐसे ही कान में चिपका रहता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऑप्शंस भी दिए थे पापा कि मतलब जो पसंद है वो ले लीजिए, बड़ा लेना तो बड़ा ले लीजिए। मैंने कहा मेरे पास बड़ा है ही है, तो फिर क्या फ़ायदा लालच करके उसको बड़ा ले लूँ, फिर उसके बाद में रखा ही रह जाता है, इसीलिए मैंने छोटा लिया कि मैं पहनूंगी तो। और मुझे ऐसे ही चीज़ों की ज़रूरत भी थी कान में, मैं लेने वाली भी थी, क्योंकि जो मैं कान में पहन के रखी थी वो काफ़ी भारी था, तो ऐसे लटक रहा था, फिर कान मेरा थोड़े थोड़े दिन में ना वो उसका जो छेद है ना कान में वो बड़ा हो जाता है, इसीलिए मुझे छोटा लेना था। तो फिर राखी में मिल गया, फिर तो मैंने ये छोटा वाला लिया, बड़ा कोई नहीं लिया। तो चल के मैं फटाफट खाना बना ले रही हूँ, फिर बात करूँगी मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। अभी फ्रेंड हमारा खाना बन गया है, और मैंने पूछा था खाना खाने के लिए तो मना कर रहे हैं, अभी सो रहे हैं। और जब वो सो जाते तो ऐसे ही करते हैं, मना करते थे, चाहे 2 बज जाए चाहे 3 बज जाए, लेकिन मना कर देंगे, अभी नहीं खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, नींद में जब हो जाते। तो अभी वो सो रहे हैं, तो मैं आ गई बाहर, इतना अच्छा लग रहा है देखने में बाहर, हर सबके छत पे झंडा लगा हुआ है,
इतना हवा भी इतना प्यारा चल रहा ना, इतना अच्छा हवा चल रहा है, उसकी वजह से इतना लहरा रहा है झंडा। और हवा चले या ना चले झंडा लगाने पे वो ऑटोमेटिक लहराता रहता है। देखिए इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी लगा हुआ है झंडा, कितना प्यारा कितना मस्त लहरा रहा है झंडा। ऐसे सबकी छत पे लगा हुआ है झंडा लहरा रहा। देखिए ये हमारे यहाँ बिल्डिंग के नीचे उसमें लॉन में लगा है झंडा, देखने में अच्छा लगता है जब झंडा लहराता है एकदम मस्त। अभी फ्रेंड मौसम बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा था और हम लोग आ गए हैं छत पे घूमने के लिए। और देखिए उसके बाद में धूप निकल आया है। जब मैं छत पे आती हूँ तो ऐसा ही होता है हमारे साथ, धूप निकल आता है। और अभी यहाँ पे जो झंडा लगा हुआ था बाहर, वो झंडा, ओ गॉड चोट लगी यहाँ पे इस पर। तो अभी यहाँ पे जो झंडा लगा हुआ था, बहुत तेज से हवा चल रही है, झंडा लगा हुआ था तो वो झुक गया है। अभी तो हस्बैंड जी गए हैं अभी उसको सही करने के लिए, अभी नीचे गए हैं और उसको सही करने के बाद वो भी आएंगे अभी छत पे। तो अभी सही कर रहे हैं झंडा, क्योंकि किसी उसमें बांध के रखे हैं वो चीज़ें, उसकी रस्सी ढीली हो गई थी तो नीचे झुक गया है, उसी को सही कर रहे हैं। खोल के सही करिए उसको, तब टाइट होगा। खोल रहे हो? अच्छा तोड़ रहा है झंडा, खोल के उसको फिर से कसिए, बहुत ही उसको खोल के अच्छे तरीके से फिर से बांधे टाइट कि फिर से ना झुक जाए। इसलिए हो गया। हाँ जी बात भी नहीं करेंगे, एकदम बिजी है। काम कर दिए अपना, हाँ हो गया एकदम सही। आ जाओ ऊपर, यहाँ पे आके पती दो सही करके झंडा। हाँ अच्छा लग रहा है। अगर किसी राष्ट्रीय प्रतीक की जिम्मेदारी हमने ली है तो उसको संभालना हमारा फर्ज है, उसको संभालना चाहिए। अगर ये झंडा हमने लगाया है अपने घर के बाहर तो इस झंडे की देखभाल भी हमें करनी पड़ेगी और करनी है। उसी को सही करने गया था ना, हवा बहुत तेज चल रहा है ना इसीलिए रुक नहीं पा रहा, जो भी तो तेज डंडी टूट गई थी, बांस की डंडी लगी मजबूत है डंडी, फिर कैसे टूट गई, इतना हवा चल रहा है वो जहाँ बंधा हुआ है मिट्टी उड़ रही है, ये बाल उड़ रहे हैं एकदम। चलो चले नीचे चले गया। इस ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड, और कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।